करो किसमें कितना दम है, देखेंगे सब देखेंगे, कोई भी हो हमसे कम है, दुनिया को हम जीतेंगे। खाक में वो मिल जाएगा हमसे जो टकराएगा, पत्ते जैसा उड़ जाएगा सामने जो आएगा। आओ रे परदेश मर कर आओ रे, पहले आया है ऐसा झोंका आफत का, ना तुम्हें कोई अंदाजा है मेरी ताकत का, अपने कदमों के नीचे तो ये जमाना झुकता है, हम इशारा जो कर दे तो आंधी तूफान रुकता है। है तो सामने आ जा रे, अरे आ जा रे, पीठ दिखा के ऐसे ना जा रे, आ जा रे। जोश में कर तू ठंडा आ जा रे, अरे आ जा रे, एक के हाथ में डंडा ना जा रे, आ जा रे। बच के निकल जा, अरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं निकल जा रे। दोनों तो पती गयो। हाँ पन कोई नती डांडी अभी तो पती गया ने। यस यस, पर हमारा दिल्ली का सफर तो नहीं पती गयो, और इन दोनों का क्या करें? अरे मोटा भाई कोई चिंता नथी, अभी दो कंधा सुंघावी दो ने तरह ठीक हो जाएंगे। तमे पन निकल पे, कहीं सीरियस प्रॉब्लम छे? इमने तो छे ने थोड़ा गरबा में गोल गोल घूम के ने चक्कर आवी गयो छे। हाँ घरवाली, पर मने ना लागे पर मने लागे कि दोनों को बस आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे। आप बस हमें आगे का रास्ता बताइए। अभी तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन, आज रात इधर ही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में ये बात भी फैला देंगे। पण ग्रुप के अंदर एक बात का ख्याल रखना, वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है, उस तरफ कभी भूल से भी मत जाना। वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है। पापा आप आ गए। धीरे बोलो बेटा, सब लोग थके हुए हैं ना? पर मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप है। नो बड़ी बिलीव्स मी पापा, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। यूवी बेटा कोई फायदा नहीं, वो जाग के भी मुझे नहीं देख पाएंगे। पर पापा, पर ऐसा क्यों पापा, वो जाके भी आपको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, सिर्फ आप जानते हो कि मैं दूर नहीं पास हूँ। पर आप मम्मा को क्यों नहीं दिखाई देते? जरूर दिखाई दूंगा बेटा, पर वक्त आने पे। ओके बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम्हें नींद में भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मुसीबत हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी अपने भी मुसीबत बन जाते हैं। अब कारिया उस्ताद तो का मौत का घाट उतार दी और किसी को हम पर शक ना हो। अरे पापा, बजरंगी अंकल,
अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय, तू यहाँ क्या कर रहा है राजा? तू निकल यहाँ से, चल। Where am I? बजरंगी अंकल, ये सब हो क्या रहा है? लेकिन एलेक्स को क्यों? ये तो कारिया का इलाका है। Oh my God, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए बजरंगी अंकल, जल्दी। हो, थोड़ा लेट हो गए। अब कोई फायदा नहीं। Who are you? मैं इस इलाके का बेताज बादशाह हूँ। कालिया, 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 कालिया। अरे ओ फिर जी उस्ताद, आज मेनू में क्या है रे? उस्ताद, एक प्लेट तोता कबाब, एक प्लेट शेरे कुर्मा और एक प्लेट बंदर तंदूरी। हाय हाय, मुंह में पानी आ गया यार, मुंह में पानी आ गया। ये देखो कालिया, तुम हमका अकेला मत समझो, हमरे एक ऑर्डर पे हमरे एक ऑर्डर पे मत बोल, कोई नजर नहीं आ रहा आराम खोर। कालिया अंकल, हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ, फिर जाओ। वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत हैं, हमारे पास नाखून हैं, हिम्मत है, लोग हैं। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ। माँ, माँ। अरे कालिया, अब काहे दुब दबा
कर भागा तो बुढ़ भाग हमरा तंदूरी बनाना चाहता रहा है। अच्छा हुआ जब तोहका कुछ नहीं हुआ, अगर तोहका कुछ हो जाता ना तो हम सुल्तान के बहुत बड़े गुनहगार हो जाते। हमको माफी कर दो और बेगम जी। बग्गा जी इससे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चला जाए, हमें ना इसकी माफी की जरूरत है ना इसकी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पर तुम ये नहीं समझोगे। तुमसे अच्छा तो ये एलेक्स है जो हमारी आवाज बन के हमारे साथ दिल्ली जा रहा है। जब तक ये हमारे साथ है हमारी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। हमारी आवाज दिल्ली तक कभी नहीं पहुंचेगी मम्मा, एलेक्स की आवाज ही चली गई है और मुझे लगता है कि वो कभी नहीं बोल पाएगा। ये आपने क्या किया बजरंगी अंकल, ये आपने क्या किया? तो बहु सीरियस छे। सीरियस तो छे। एलेक्स भाई नी तो पूरी बोलती बंद थई गई। बोलती बंद नथी थई, एमनी तो खाली आवाज गई छे। एक तो बात छे कल्पेश, वैसे हमारे स्टेज शो होते हैं ना उसमें तो बहुत बार ऐसा होता है, याद छे कल्पेश? अरे वो अपने शिकागो वाले शो में रसिक भाई नहीं? घरवाली तुम्हें पर ना, वो शिकागो का नहीं ग्लासगो का शो था। कौन सा भी शो हो लेकिन आवाज तो गो ने हाड़ो, फ्लेमिंगो गो गो, पण पछी वापस तो आवी गयो ने। तो मेरे को झगड़ो चाहिए के फिर सोल्यूशन? सोल्यूशन एमने चाहिए। आपके पास इसका कोई इलाज है? बता दो आने इलाज, बता दो बापा। हाँ तुम एक काम करो, एलेक्स भाई ने अमरूद अदरक अने तुलसी। ओ महाराज, तुम्हें पोताना सोल्यूशन नहीं बताओ, हमने सीधे सीधे जड़ी बूटी वाले बाबा का पत्ता बता भी दो। जड़ी बूटी बाबा? यहाँ से मारवाड़ के रास्ते पे एक बहुत मोटी नदी छे, बाबा नी गुफा इज नदी ना किनारे छे। कितनी शांति है, लगत है कि शांति हमरे प्यारे अलक्सवा के आवाज से ही टूटेगी। देखना देखना गुरुजी के दर्शन करते ही कैसन चटर पटर बोलने लगेगा अपना इलू। गुरुजी। महाराज। बाबा डार्लिंग। बाबा। अरे यही तो बाबा नहीं है। उप्स, नो पार्किंग, मैं देखता। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दो चार सांस बाकी है, वो भी तोरे छू से निकल जाए, हम देखते हैं। गुरुजी, गुरुजी, ये अनाथ घंटा है, घंटी लगा था कि डायरेक्ट एंट्री करे के पड़ी। जय बजरंग बली। कौन है, कौन है जो हमें अपने अंतर्मन से पुकार रहा है? बाबा डार्लिंग यहाँ है, मतलब पीछे से। बाज, टॉर्च दो। कसम बजरंग बली की, इतना पॉल्यूटेड तो हमार मुंबई भी नहीं है। बाबा ये एलेक्स है, कल रात से इसकी आवाज चली गई है। एलेक्स अपना मुंह खोलो। ये म, 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 मर जाएगा का? मलाई कुल्फी? मामूली बीमारी नहीं है, राजा महाराजाओं की बीमारी है। पर बीमारी क्या है? ट्यूमर, टीबी, टेंशन, हाइपरटेंशन, तनाव, स्ट्रेस, दबाव, हाई बीपी। इसे ठीक करने के लिए मशीन गन, मलाई कुल्फी, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके गले पे चाकू चंदन और चमेली का लेप लगाना होगा।
पीले गुलाबों से ताजा गुलकंद निकाल के हमें मिट्टी में मिलाना होगा। फिर उस गुलकंद को लाल मीठे और ताजा अमरूदों के साथ हर रोज खिलाना होगा। पर ये काम करेगा कौन? ई काम हम पे छोड़ दो, हम पे। दवा कहाँ है? दवा, दवा, दवा से दवा घिस दे। दवा, दवा, दवा। Looking hot, Chimpo. जिद्दी पोपट, काटा ही काटा। कहाँ इलाज बताया रहा? हाँ, पीला। लाल 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 पीला लाल 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 पीला 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 ठीक है? नहीं? चल देखते हैं। ये ठीक है? ये भी नहीं? अब हड़वा, इतना कॉर्नर में हम नहीं जाएंगे। ये नहीं हो सकता है। अरे अरे क्या कर रहा है यार? बाबा, इसको ठीक करते करते तो खुद बीमार हो जाएगा। खाना तो कहा, हम पानी तक नहीं पिएंगे। हम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी वचन देते हैं कि जब तक एलेक्स का आवाज नहीं आ जाता है, कसम बजरंगबली की, हम अन्न जल भूल कर इनकी सेवा करेंगे। ये हमार गुरु नहीं हो सकत है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे ऐसे थे हमारे गुरु। लेकिन आज तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर ऐसा लगता है कि सर दर्द का दवा खा ले, है ना? ये हमार गुरु नहीं हो सका। और तुम हमारे चेले नहीं हो सकत हो। अच्छा, कहाँ थे तुम दोनों जब हम इशारा करते रहे और कालिया दांत निकाल निकाल कर हम पर हंसता रहा? कहाँ थे तुम दोनों जब हम एलेक्सवा की दवाइयों के खातिर दर दर भटकते रहे? चू, चू। अरे छी, थू है ऐसन चेलों पर। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के खातिर अपनी उंगली काट दी थी और तुम दोनों बार बार उंगली उठावत हो। छी,
तू ऐसा चेलो पर हमें किसी की जरूरत नहीं है। चला जाओ हमारी नजरों के सामने से, चला जाओ।